नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं पांच की बात। बुधवार को भी दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला की सीमा के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में इजरायली सैनिकों के साथ झड़पें जारी रहीं और बेरूत पर इजरायली हवाई हमले भी जारी रहे। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने इस बीच लेबनान के लोगों से हिजबुल्ला से मुक्त होने की अपील की है और इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बुधवार को एक बड़ा बयान दिया है। योव गैलेंट ने यह कहा है कि ईरान पर जो हमला इजरायल करेगा वो घातक और चौंकाने वाला होगा। गैलेंट ने कहा कि हाल में ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा और ईरान समझ नहीं पाएगा कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। बीते हफ्ते ईरान ने इजरायल पर कई मिसाइलें दागी जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव और बढ़ गया है और अब इजरायल का ये बयान दिखा रहा है कि ये तनाव थमने वाला नहीं है। דיוק בנקודות השונות הוא מאוד מאוד ממוקד. היכולת לתקוף היא יכולת מאוד חזקה, וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו ייפגע וישלם מחיר. התקיפה שלנו תהיה קטלנית, מדויקת ובעיקר מפתיעה. הם לא יבינו מה קרה ואיך קרה, הם יראו את התוצאות. इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से फोन पर बात की है और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सुरक्षा को लेकर इजरायल के अधिकारों का समर्थन किया है, यानी कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, और 1 अक्टूबर को इजरायल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की निंदा भी की है। गाजा पर दोनों नेताओं ने हमास की कैद में बंधकों को रिहा करने के लिए कूटनीति को नए ढंग से शुरू करने की तत्काल ज़रूरत पर भी चर्चा की। 21 अगस्त के बाद से इजरायली प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच ये पहली बातचीत है। बाइडेन ने ब्लू लाइन के दोनों किनारों पर लेबनानी और इजरायली नागरिकों को उनके घरों में सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए एक राजनयिक व्यवस्था की ज़रूरत बताई और साथ ही हिजबुल्ला के हमलों की निंदा भी की है। बाइडेन ने इसराइल से कहा है कि वो खास तौर पर लेबनान की राजधानी बेरूत की घनी आबादी वाले इलाकों में नागरिकों को कम नुकसान की जरूरत का ध्यान रखे। तो ये बातचीत हुई है, से कुछ उम्मीदें जागी रही हैं या क्या कोई उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ शांति लौटेगी कम से कम रिहायशी इलाकों में, क्योंकि इजरायल ने समुद्री रास्ते से भी हमले की धमकी दी है और इसके बाद से लेबनान में समंदर के किनारे चौकसी बढ़ा दी गई है। बेरूत शहर से हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने समुद्र तट से ये रिपोर्ट भेजी है। इस वक्त हम मेडिटेरेनियन सी के एक किनारे पर हैं जो बेरूत शहर के पास लगता है और यहाँ पर जब से इसराइल की सेना ने यह कहा है कि वो समुद्री रास्ते से भी बेरूत या लेबनान के इलाके में हमला कर सकती है या उस पर कब्जा करने पहुँच सकती है, तो यहाँ पर आप देखें जो समुद्र में जो जनरली आमतौर पर जो मछुआरे यहाँ पर अपनी नौका कह लें या बोट लेकर आते हैं, तो वो अब यहाँ पर बहुत कम हो गए हैं। शायद वो इसी बात से चिंतित भी हैं और इस बात की चिंता भी है, आशंका भी है कि शायद उनके मछली पकड़ने पर जो मछुआरे हैं वो आते हैं तो उनको शायद वो ख़तरा है कि वो अटैक ना हो जाए। तो इस वक्त हम एक जो यहाँ पर लोकल मछुआरे हैं उनके साथ उनकी बोट पर जाकर सवार होंगे और उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक जाने की इजाज़त होती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये भी ये समुद्र का पूरा इलाका है और यही मेडिटेरेनियन जो है इसराइल और लेबनान के पास से गुजरती है, या लेबनान बेरूत कह लें और इसराइल का जो इलाका है वो इसी मेडिटेरेनियन सी के पास में स्थित है।
तो यहाँ पर ये इलाके जो हैं ये भी खाली पड़ रहे हैं, लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, और ये डर है कि हवा के रास्ते तो हमला हो ही रहा है आसमान से, लेकिन समुद्र के रास्ते भी हमला हो सकता है। डॉक्टर खेवराज जागिड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो प्रोफेसर हैं बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में। आपसे पहली प्रतिक्रिया में जानना चाहूँगी कि ये ख़तरा और कितना बढ़ता जा रहा है। जो इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान के हमले का जो जवाब दिया जाएगा वो चौंकाने वाला होगा, ईरान समझ भी नहीं पाएगा कि ये हमला कहाँ कैसे हुआ, तो इससे इस युद्ध में किसी तरह की कमी की उम्मीद तो छोड़ ही देनी चाहिए, ये और ज़्यादा भयावह होने वाला है। नमस्कार नगमा जी, आपकी आशंका जायज़ है। ये लड़ाई लेबनान में अब लंबी चलने वाली है, मिडिल ईस्ट में ऐसी कई लड़ाइयाँ चली हैं जो सालों तक चल पाई हैं। ईरान और इराक का जब युद्ध हुआ था तो 8 साल चला था। लेबनान की लड़ाई में इसराइल के साथ बहुत सारे देश हैं। अमेरिका भी चाहता है स्ट्रेटजिकली, कूटनीतिक तौर पे, कि एक अच्छा मौका है हिजबुल्ला को लेबनान की अंदरूनी राजनीति में दरकिनार करने के लिए। उनकी कोशिश है एक नया राष्ट्रपति चुनने की। इस समय जब वो नया राष्ट्रपति चुनेंगे तो शिया कम्युनिटी और हिजबुल्ला का जो एक लॉबिंग पॉलिटिकल एक्ट होता है उसको वो बिल्कुल ख़त्म कर पाएंगे। और जो दूसरी गलांत वाली जो बात आपने कही, योआव गलांत मेरे ख्याल से, जितनी समझ मैं उनके 1 साल के लड़ाई में देख पाया हूँ, वो अति शियोक्ति वाले इंसान है नहीं। पर कई बार वो बातें, जैसे गाजा के बारे में उन्होंने कही थी कि वहाँ सारे जानवर हैं, एक बार में जब शुरू की लड़ाई में उन्होंने ऐसा कहा था तो उसकी बड़ी निंदा हुई थी कि ये बड़ा मतलब अमानवीय बयान था उनका। उस अतिशयोक्ति के बिना मेरे ख्याल से इस समय वो जो बात कह रहे हैं वो नेतन्याहू और अपने राइट विंग के दूसरे नेताओं के खिलाफ कह रहे हैं। अंदरूनी तौर पर योआव गलांत को कल अमेरिका जाना था, वहाँ पीएम ने, इसराइल के पीएम ने इनको जाने नहीं दिया। जी पीएम चाहते थे कि अमेरिका की जितनी भी कूटनीतिक बातचीत हो उनके साथ हो, बजाय कि योआव गलांत के। तो योआव गलांत अभी भी अंदरूनी तौर पे अपने आप को बचाने की फिराक में है। पर ईरान के ऊपर जो हमले की बात है, ये जाहिरन तौर पे एक कैलकुलेटेड स्ट्राइक हो। योआव गलांत और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच की जो पॉलिटिक्स है और वो इस जंग पे, इस युद्ध में किस तरह का असर डालेगी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, जो बेरूत में हैं, लेबनन से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। तो गजाली, हमने आपकी रिपोर्ट देखी है जो आपने बेरिया से, समंदर के किनारे से भी की है, और इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद हैं, जो बातचीत भी हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति से बेंजामिन नेतन्याहू की, ये भी अपील की गई है कि शायद ये कहा गया अमेरिका की तरफ से भी कि जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर कम से कम नुकसान हो, ये इंश्योर करने के लिए। पर वहाँ ग्राउंड स्थिति इस वक्त क्या आप हमें जानकारी देंगे, दे रहे हैं? गजाली, आप जहाँ पे मौजूद हैं, या लेबनन या बेरूत और उसके आसपास के इलाकों जहाँ आपने देखा, वहाँ पर क्या हालात हैं? अभी लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर से पलायन भी कर रहे हैं, और रिहायशी इलाकों में किस तरह से वहाँ जिंदगी चल रही है अभी? फिलहाल हम यहाँ पर बिल्कुल बेरूत के बीचों बीच हैं, ये रफीक हरीरी या मस्जिद अल अमीन है यहाँ पर, और इसी के बिल्कुल सामने जो है इस इलाके में शहर के बीचों बीच, इसको मार्टियर्स स्क्वायर भी कहा जाता है, और आप देखेंगे कि वो शरणार्थी जो है शहर के बीचों बीच जो है टेंट लगाकर यहाँ रह रहे हैं। तो फिलहाल दोबारा से दिखाना चाहूंगा, ये जो इलाका है आप सामने देखेंगी मेरे, ये बिल्कुल जो झंडा लगा हुआ है इस पोल पर, ये स्क्वायर है यहाँ का, मेन चौक है, और मेरे पीछे जो है ये मशहूर मस्जिद है यहाँ की, रफीक हरीरी जो यहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं उनके नाम पर, और इसी के बिल्कुल सामने जो है शरणार्थी अलग अलग इलाकों से लेबनान के आए हुए हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। फिलहाल हालात ऐसे बने हुए हैं कि सभी लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या बेरूत शहर पे भी हमला हो सकता है, क्योंकि दक्षिणी इलाके में आज हम गए थे तो कुछ ऐसे इलाके जिसमें शियाओं की आबादी है, शिया मुसलमानों की आबादी है, उन इलाकों में जो है बमबारी हो रही है। हम ऐसे कई घरों में गए, कई होटल्स में गए, जिनमें इस बात की आशंका जताते हुए इसराइल ने बमबारी की है कि वहां पर हथियार, हिजबुल्ला के हथियार रखे जाते हैं या हिजबुल्ला के कमांडर रहते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक
कह सकते हैं कि माहौल है यहाँ पर कि 4 साल पहले यहाँ पोर्ट ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद इकोनॉमी बिल्कुल नीचे चली गई थी। उस पोर्ट ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं हुआ, लोग उससे बहुत मायूस थे, और उसके बाद जब इकोनॉमी थोड़ा पटरी पर आने लगी तो दोबारा से यहाँ वही हालात बन गए हैं जंग की वजह से, कि जो आम मछुआरे हैं, आज हम मेडिटेरेनियन सी में भी गए थे, जो आम मछुआरे हैं वो भी इस बात से संकट में है कि मछली पकड़ने के लिए वो अपनी नाव जो है वो समुन्द्र में नहीं ले जा सकते। और दो तरह के लोग हैं, एक टूरिज्म सेक्टर के लोग हैं जिनको पता है कि वो बड़े या उस तरह की शिप्स लेकर अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने ये भी चेतावनी दी है कि अब वो लेबनान में समुद्र के रास्ते या पानी के रास्ते घुसने की कोशिश करेगा। तो जिन लोगों के घर जो है समुद्र के किनारे पर बने हुए हैं पूरे लेबनान में, उनको भी आशंका है कि कहीं ना कहीं अटैक के चपेट में या हमले की चपेट में वो ना आ जाए। दूसरी तरफ लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं वो बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर की बात बढ़ानी चाहिए। सीज फायर का मतलब अभी भी टेबल पर है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात नगमा, कि कल जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है, और उसके बाद जो उन्होंने उनका जो रीड आउट कहते हैं या जो बयान आप देखेंगी, उस बयान में कहीं पर भी लेबनान को लेबनान का जिक्र करते हुए सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट के बयान आ रहे हैं कि हम लेबनान को गाजा नहीं बनने देंगे, तो इस पे भी लोग कह रहे हैं कि क्या गाजा में जिंदगी ज्यादा सस्ती है लेबनान से, क्या आप लेबनान को गाजा नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ अभी खबर ये भी आ रही है कि यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग फोर्स है, यूनिफिल वाले जो लेबनान और इसराइल के बॉर्डर पे हैं, शायद उन पर भी इसराइली फोर्सेज ने गोलियां चलाई हैं दक्षिण में। यहाँ के लोकल अखबारों में, उनकी वेबसाइट्स पर यह खबर चल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो बड़ा बेरूत शहर को अगर छोड़ दें तो बेरूत शहर के अलावा जो दूसरे शहर हैं जहाँ शियाओं की आबादी है, उस इलाके में बहुत तनाव है, और किसी भी नए चेहरे को या नए नई शक्ल को देखकर लोग बहुत एप्रिहेंसिव हो जाते हैं या उनको देखकर बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाते हैं। पिछले 5-6 दिनों में हम लोगों को यही देखने को मिला है कि आप मोबाइल नहीं निकाल सकते, आप बिना किसी इजाजत के बात नहीं कर सकते। और दो चीजें हुई हैं जो मैं बड़े जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि हिजबुल्ला को भी डैमेज हुआ है एरियल स्ट्राइक की वजह से, और इसराइल को भी ग्राउंड इन्वेजन में, जमीनी लड़ाई में खासा नुकसान हुआ है, और इसी जी वजह से इसराइल जो है अब समुद्री रास्ते का वो जो ऑप्शन है, विकल्प है, उसको कंसीडर कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो आम नागरिक हैं जिन्होंने 1982 और 2006 की लड़ाई देखी है, उसमें भी ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेरूत के अंदर या लेबनान के अंदर जी आप जंग को लाने हाँ वाला हिजबुल्ला ही जिम्मेदार है, और इस जंग को रोकने के लिए भी हिजबुल्ला को ही रहना होगा। तो ऐसे ओपिनियंस डिवाइडेड हैं बिल्कुल। लेबनान के आपने कहा खिलाफ। कि नुकसान बहुत हुआ है और लोगों में बहुत शक है और बहुत खौफ है हर नए चेहरे को देखकर। आप हमने देखा था जब आप रिपोर्ट कर रहे थे कर, और मोबाइल के इस्तेमाल पर निकालने पे भी लोग परेशान थे। शुक्रिया गजाली हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहाँ का हाल बताने के लिए। खिवराज जागीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खिवराज जागीर, एक बात जो गजाली भी कह रहे थे, जो ये बातचीत हुई है, अब यूएन के कुछ फोर्सेस पे भी हमला हुआ है, लेकिन उसके पहले ये ऐसी खबरें वहाँ के लोकल अखबारों में हैं और जो खौफ है वो भी दिख रहा है। पर जो अपील नेतन्याहू कर रहे हैं, जैसा उन्होंने ईरान के लिए किया था, लेबनान के लोगों से कि आप हिजबुल्ला को ख़त्म कर दीजिए और आप शांति चुनिए, तो वो आपको क्या लगता है इस अपील के लिए वहाँ कितने टेकर्स होंगे और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इस अपील के टेकर्स हैं लेबनान में शियाओं के खिलाफ सुन्नी है, मैरानाइट क्रिश्चियंस हैं। और जैसा कि गजाली साहब ने बताया कि लोगों के अंदर रोष जरूर है हिजबुल्ला को लेके, क्योंकि 1982 और 2006 की लड़ाई, देखिए लेबनान से इसराइल ने विड्रॉ किया था 2000 में। जी पिछले 24 सालों में इसराइल का लेबनान की किसी भी जमीन पे कब्जा नहीं है सीधे तौर पर। तो लेबनान के लोगों को ये लगता है कि वो गाजा और ईरान की वैचारिक लड़ाई के लिए कितना कुर्बान होंगे। तो उनका हिजबुल्ला के प्रति यही रोष रहा है अंदरूनी तौर पर। और हसन नसरल्ला जो बहुत पावरफुल आदमी थे, बहुत कैरिस्मेटिक आदमी थे, उनकी बदौलत हिजबुल्ला की एक बड़ी मतलब हुकूमत चलती थी। अब वो हुकूमत एक तरह से कहिए हिल गई है। और नेतन्याहू और अमेरिका, अमेरिका जब नया प्रेसिडेंट लेबनान में ढूंढने की कोशिश कर रहा है, या नेतन्याहू जब अपील कर रहे हैं, तो इन इनकी गर्ज ये है कि लेबनान के अंदर हिजबुल्ला के खिलाफ एक आवाम का रोष आए, ताकि हिजबुल्ला को पूरी तरह से
हराया जा सके। लेकिन जो डिफेंस मिनिस्टर का भी बयान आया है, वो आप कह रहे हैं कि वो ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देते, और वहाँ पर उनकी जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो भी है, और अमेरिका से वो नहीं गए, वहाँ पे बातचीत नहीं की, तो इस पॉलिटिक्स से क्या इस जंग पर असर आप देखते हैं? देखिए, इसराइल के अंदर एक तरह से मिलिट्री कू और प्राइम मिनिस्टर की सीट के बीच में बड़ा फसाद चल रहा है। गलांत को वो सैक करना चाहते हैं, और गलांत के साथ आर्मी है और इसराइल के लोग हैं, तो नेतन्याहू गलांत से छुटकारा पा नहीं रहे। पर गलांत गाजा में तो सीज फायर चाहते हैं बहुत वक्त से, हॉस्टेज डील भी चाहते हैं जो नेतन्याहू नहीं चाहते, जी पर गलांत लेबनान में इस मौके को भुनाना जरूर चाहेंगे जब वो हिजबुल्ला के ऊपर बड़ी कार्रवाई करके और ईरान के ऊपर बड़ी कार्रवाई करके आने वाले सालों के लिए इस धमकी भरे ईरान के रवैये को जी जी एक तरह से मतलब हटा सकें जी इसराइल के इस भी हाँ और इस बीच ये भी है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या गाज़ा में जाने सस्ती थी, कि हम ये गाज़ा नहीं बनने देंगे, और लेबनन में क्या अलग है? कि जो लोग कहते हैं कि दूसरा गाजा नहीं बनना चाहिए लेबनान, वो दरअसल फिक्र उतनी ही करते हैं जितनी गाजा के लोगों की है और वो लेबनान के लोगों की है। पर लेबनान में अब अरब के देश, अमेरिका और यूके और इसराइल, ये सारे एक सहमति से हैं कि ये एक अच्छा मौका है हिजबुल्ला से निपटने का। तो इसराइल को थोड़ा वक्त दिया गया है लेबनान में लड़ाई जारी रखने के लिए, इसीलिए सीज फायर का दबाव लेबनान में बिल्कुल नहीं है। उल्टा कल ये बात थी कि लेबनान के मिनिस्टर ने कहा कि हम सीज फायर करने को तैयार हैं, हमें गाजा के सीज फायर की कोई शर्त रखने की जरूरत नहीं है। तो जी अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कहा कि अब बड़ा आप सीज फायर के लिए उतावले हो रहे हैं, जबकि हम लोग 12 महीने से आपको सीज फायर के लिए गुजारिश कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कूटनीतिक फायदा जो है अब पश्चिम के देशों को भी लगता है और अरब के देशों को भी लगता है, जिन्होंने हमेशा हिजबुल्ला की परेशानी को एक तरह से टेररिज्म के तौर पे देखा है। तो यहाँ पर अरब के देशों का भी इसमें साथ नहीं है, और लेबनान में मामला अलग है, आप कह रहे हैं कि गाज़ा के मुकाबले, और यहाँ पर अब सीज़ फायर के लिए शायद लेबनान में जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो तैयार हो, लेकिन इस वक्त कूटनीतिक एडवांटेज जो है वो कुछ इसराइल और पश्चिमी देशों को भी है। बहुत धन्यवाद आपका कैमरा जागिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और इस बीच जो बयान आते हैं उससे लगता है कि ये जंग जो है वो और बड़ी होती जा रही है, और इस बीच लेबनन भी अब लहूलुहान हो रहा है, पलायन वहाँ से लोग कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर रिहायशी इलाकों पर भी हमले हुए हैं, बल्कि जो वहाँ के लोकल अखबारों में खबरें हैं, कुछ यूएन के भी कुछ सदस्यों के ऊपर कुछ हमले हुए हैं। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री आसियान समिट के लिए पहुँचे हैं लाओस, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक और कदम, इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 अक्टूबर को लाओस के दौरे पर हैं। लाओस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया है। यहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। ये यात्रा लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सुनेक्से सिम्फाडोन के खास निमंत्रण पे हो रही है। पीएम मोदी इस दौरान 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, यानी 21वां आसियान सम्मेलन है और 19वां ईस्ट एशिया सम्मेलन है। प्रधानमंत्री ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा है कि भारत की पॉलिसी की वजह से भारत और आसियान देशों के बीच समझौतों को नई ऊर्जा, दिशा और गति मिली है। मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। यह आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट करता है। पिछले वर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए मैरिटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है। पिछले 10 वर्षों में
आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग दो गुना होकर 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ये दौरा प्रधानमंत्री का अहम क्यों है और आसियान की क्या अहमियत है भारत के लिए। ये 21वां आसियान सम्मेलन हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने के लिए गए हैं। इस ग्राफिक के जरिए देखते हैं कि ये इसकी अहमियत क्या है। ये 19वें ईस्ट एशिया समिट में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ जो आसियान में प्रधानमंत्री की शिरकत या भारत की शिरकत है वो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम ने कहा है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी एक दशक पूरा हो रहा है और ऐसे मौके पर ये विजिट जो है आसियान का सम्मेलन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में सहयोगियों के साथ ये सहयोग बढ़ाने का भी मौका है। आसियान देशों के नेताओं के साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन का प्रोग्राम है उसका भी रिव्यू होगा। ईस्ट एशिया समिट में शांति और स्थिरता की चुनौतियों पर चर्चा होगी। आसियान आपको बता दें कि एक 10 देशों का संगठन है और इसमें 8 पार्टनर देश भी हैं। जो 10 देश हैं उसमें इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड, भारत, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया और ब्रुनेई भी शामिल है। कुछ ही महीनों पहले प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई दारुस्सलाम का भी दौरा किया था। मेरे साथ इस वक्त इसकी इस पर बातचीत के लिए जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। कादम्बिनी, प्रधानमंत्री का ये दौरा और आसियान की ये समिट, साथ ही ईस्ट एशिया समिट जो है, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब रही है लुक ईस्ट से बदल के एक्ट ईस्ट, उसके लिए इसकी अहमियत क्या है और तमाम देशों का जो वहाँ पर कोऑपरेशन रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसका महत्व? जी देखिए, ये जो देश हैं ये सभी अगर आप देखें तो पड़ोसी की तरह हैं और यहाँ पर साफ तौर पर पीएम ने कहा भी कि पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी हैं। हम जानते हैं कि भारत किस तरह से ग्लोबल साउथ में नेतृत्व ले रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक दूसरे की संप्रभुता की हम इज्जत करते हैं, शांतिप्रिय लोग हैं, शांतिप्रिय देश हैं। भारत जो है वो ये मानता है कि एशिया का सेंचुरी है और इसमें सभी साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि समन्वय, संवाद और सहयोग से ये संभव हो पाएगा। लेकिन ये साफ है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है भारत अटैच करता है आसियान देशों से। कोशिश होती है कि कभी भी ये समिट मिस ना हो। आपको याद होगा कि G20 के की तैयारियों में जब भारत जुटा हुआ था उस वक्त भी पीएम जो है इसमें भाग लेने के लिए गए थे। तो ये काफ़ी अहम है और ये सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ये सभी जो देश हैं ये ट्रेड पार्टनर बड़े हैं, उनसे अच्छा खासा व्यापार होता है। जो बाहर भारत के लोग रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा जो है उसका कम से कम 20% इन्हीं देशों में रहता है। तो ये बेहद अहम है, ना सिर्फ इसके लिए कि ट्रेड है या फिर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, बल्कि रणनीतिक लिहाज से भी काफ़ी अहम है। और कई तरह के प्रोग्राम जो हैं, कई तरह की फंडिंग जो है इस पर चलती है। तो फिलहाल अभी जो पीएम गए हैं उसमें आसियान देश और भारत के बीच जो संबंध है उसका रिव्यू होगा, उसके बाद आगे फ्यूचर में क्या करना है उस पर भी बात होगी। कई बायलैटरल्स भी हो सकते हैं, द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है। लाओ के पीएम से तो होगी ही द्विपक्षीय बातचीत, पर और भी कुछ देश जो ईस्ट एशिया समिट के लिए वहाँ पर मौजूद है उनके साथ भी बातचीत हो सकती है। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ये सभी भी देश वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक तरह से और जो संबंधों को मजबूती प्रदान करने वाली बात है वो होगी। हो सकता है कि म्यांमार की जो स्थिति बनी हुई हो उस पर भी बात यहाँ पर आसियान समिट के आसपास में हो। दूसरी तरफ जो एक बड़ी समस्या भारत फेस कर रहा है साइबर स्कैम का, उस पर भी बात हो। कांदनी, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ, धन्यवाद आपका। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ तस्वीरें आ रही हैं सीधी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए जो वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, आपको वो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं उन्हें। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें, रतन टाटा का अंतिम संस्कार हुआ, उन्हें राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार हुआ पूरे राजकीय सम्मान के साथ। रतन टाटा का पार्थिव शरीर NCPA से बरली स्थित पारसी शमशान भूमि ले जाया गया। Thank you.
देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का कल देर रात 86 साल की उम्र में निधन हुआ। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार लोगों का तांता बंधा रहा और पूरे देश भर से विदेश से लगातार लोगों के शोक संदेश उन पर आए। रतन टाटा की लोकप्रियता और जो उनका मानवीय पहलू था वो साफ झलक रहा था कि किस तरह से लोग उमड़े आ रहे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और देर रात उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। उनका पार्थिव शरीर कोलाबा स्थित उनके घर पर रखा गया। सुबह उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद पार्थिव शरीर को नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी NCPA ले जाया गया, जहां पर लगातार लोग आते रहे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। इसमें तमाम जाने माने लोग भी शामिल रहे, नेताओं का तांता लगा रहा वहां पर आने के लिए। और आप देख रहे हैं इस वक्त में महाराष्ट्र में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और अंतिम विदाई दी जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जाया गया है बर्ली में रतन टाटा का अंतिम संस्कार हुआ है और महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, जो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। रतन टाटा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है और आप देख रहे हैं कि गन सल्यूट के लिए वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। रतन टाटा ने जिस तरह से पूरी टाटा इंडस्ट्री को बढ़ाया, आगे बढ़ाया और GRD टाटा की विरासत को आगे बढ़ाया वो, और जिस अंदाज में उन्होंने लीडरशिप लीडिंग विद एग्जाम्पल का उदाहरण सबके सामने रखा है, उसके लिए उन्हें याद किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। टाटा ट्रस्ट के ज़रिए बहुत सारे उन्होंने सोशल इनिशिएटिव्स लिए और ख़ास करके महिलाओं के लिए भी जो उनकी उद्यमिता है, उनकी जो काम में इंडस्ट्री में शिरकत है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया है। जगह जगह पर बड़े बड़े शहरों में टाटा के अस्पताल रहे। 1991 से लगातार वो टाटा समूह के साथ जुड़े रहे। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ वो बहुत बड़े समाज सेवी भी थे। कोविड के दौरान देखा गया कि उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट कोविड रिलीफ के दौरान उनका उसमें सहयोग रहा। रतन टाटा ने अक्सर आम आदमी की चिंता को आगे रखा। उन्होंने ही इसी के तहत उन्होंने नैनो कार को भी लाया। टाटा समूह जो है उसे उन्होंने बहुत ही एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। महाराष्ट्र में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका हो रहा है। और एक खबर आपके काम की, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत बुधवार तक देश भर की 130 से ज़्यादा कंपनियों ने 50,000 से ज़्यादा इंटर्नशिप पदों के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। ये योजना क्या है जानते हैं इसकी ABCD। 2 दिसंबर से शुरू होनी है इंटर्नशिप योजना।
युवाओं को रोजगार के अवसर देने की ये मुहिम है। प्राइम मिनिस्टर pminternship.mca.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन इसमें हो सकता है। शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की बात है, 130 से अधिक कंपनियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। 50,000 से ज़्यादा पद निकाले गए हैं इंटर्नशिप के लिए, जिसमें हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे और साथ ही काम सीखने का मौका और फिर एक मुश्त 6,000 रुपये भी मिलेंगे। 22 क्षेत्रों में इंटर्नशिप देने की बात है, जिसमें कि तेल, गैस, ऊर्जा आदि सबसे ज़रूरी क्षेत्र हैं। चालू वित्त वर्ष में 1.2 लाख इंटर्नशिप का लक्ष्य है। आपको ये भी बता दें कि ये इंटर्नशिप कौन कर सकते हैं, 21 से लेकर 24 साल के नौजवान इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे युवा भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप योजना उनके लिए नहीं है जो ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हैं। 8 लाख से ज़्यादा की पारिवारिक आय वाले, परिवार में स्थायी सरकारी नौकरी वाले भी नहीं कर सकते हैं। IIT, IIM, IISER, NID, IIIT, NLU जैसे संस्थानों में पढ़ने वाले नहीं कर सकते हैं, किसी सरकारी योजना में ट्रेनिंग लेने वाले भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ आदित्य घोष जुड़ गए हैं, जो फाउंडर हैं आकाश है एयर के, लेकिन वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं, तो जानेंगे कि इसका क्या फ़ायदा होता है। आदित्य जी, PM इंटर्नशिप स्कीम से युवाओं को भविष्य में कितना फ़ायदा पहुंचेगा? देखिए, ये जो स्कीम है ये शायद दुनिया भर में ऐसा स्कीम कभी भी नहीं लॉन्च हुआ है जो आज हुआ है। हम लोग CII की तरफ से बहुत सालों से इस पर काम कर रहे हैं, जो नेशनल स्किल्स काउंसिल है उनके साथ। तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जो हमारे युवा हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए या जो अपनी नौकरी चाहते हैं, उनको ये एक टाइम मिलेगा जहाँ उनका आधा उनका टाइम जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा, हाफ जो टाइम होगा वो क्लासरूम ट्रेनिंग होगा। और इससे मुझे लगता है कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी ज़रूर। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप ये इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये का स्टाइपेंड है, और तो ऐसा भी नहीं है कि आपको फ्री में काम करना है। और बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको इस तरीके का जो मतलब इंटर्नशिप मिलना मुश्किल होता है, तो ऐसे 1 करोड़ युवाओं को इसका फ़ायदा होगा अगले 5 साल में। तो मुझे इससे काफ़ी आशा है इस स्कीम से। जी शुक्रिया आपका बताने के लिए ये बात। इससे लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी और 5,000 मिलेंगे हर महीने काम करने के, मौका मिलेगा बड़ी कंपनियों में काम करने का। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त और जल्दी लौटते हैं ब्रेक के बाद।